हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ आम की लौंजी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। खट्टा मीठा लगता है ये, और ये खास तौर से बच्चों को बहुत पसंद आता है। इसको बना के बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं। बच्चे रोटी पराठे से बहुत मन से खाते हैं इसको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे 4 बड़े साइज का आम, और इसका छिलका निकाल लिया है और इसको वॉश कर लिया है। तो मैंने इसको स्लाइसेस में काट लिया है। आप चाहे तो किसी भी शेप में काट सकते हैं इसको। और मैंने आम की गुठलियाँ भी ले लिया है। आम की लौंजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 3 छोटे साइज का गुड़, इसको तोड़ लिया है, और 1 कटोरी मैंने चीनी लिया है। और यहाँ पे तड़का देने के लिए मैंने लिया है 5 फोरन, लहसुन, जावित्री, रेड मिर्ची, तेजपत्ता, ग्रीन इलायची और ब्लैक इलायची। अगर आपको लहसुन डालना नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन लहसुन डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है आम की लौंजी में। मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लिया है आम की लौंजी में डालने के लिए। तो मैंने यहाँ पे सूखी नारियल, बादाम और काजू लिया है। इसको छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है। इसको डालने से आम की लौंजी और भी टेस्टी लगती है, बच्चों को बहुत पसंद आता है, और साथ में ये बहुत हेल्दी भी होता है। तो कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। ऑयल गर्म होने के बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 5 फोरन, और इसको चला लूंगी। जब 5 फोरन तड़क जाएगा तो इसमें मैं डाल दूंगी लहसुन, और लहसुन को भी हल्का सा भून लूंगी जब तक इसका कच्चापन ना चला जाए। ज्यादा देर तक नहीं भूनना इसको। तो लहसुन को मैंने थोड़ी देर के लिए भून लिया है हल्के फ्लेम पे। तो अब इसमें बाकी के मसाले मैं डाल दूंगी, और इसको भी डालने के बाद चला लूंगी अच्छे से। तो अब इसमें हम कटे हुए आम को डाल देंगे। और इसको चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिक्स करने के बाद हम इसको ढक देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे बीच बीच में चलाते हुए इसको भून लेंगे। यहाँ पे मैं पानी का यूज नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही भून रही हूँ इसको, क्योंकि ये आम में थोड़ा सा पीलापन था तो ये ऐसे ही गल गया अच्छे से, तो पानी डालने की जरूरत नहीं थी। तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ गुड़, और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चीनी। मैं गुड़ और चीनी दोनों ही किस लिए डाल रही हूँ ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। इसको डालने के बाद अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इसको 3 से 4 मिनट तक पहले ही भून के अच्छे से गला लिया है, तो मैं यहाँ पे ज्यादा पानी का यूज नहीं करूंगी, क्योंकि चीनी और गुड़ दोनों ही पानी छोड़ते हैं, तो फिर ये ज्यादा ही गल जाएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी यूज कर रही हूँ। तो पानी डालने के बाद मैं इसको अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लूंगी, और मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके नहीं पकाएंगे, हम ऐसे ही पकाएंगे इसको बिना कवर किए हुए, नहीं तो आम ज्यादा गल जाएगा। तो हम इसको बिना कवर किए ही 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे, और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि नीचे से ना पकड़े। फ्रेंड्स, गुड़ और चीनी दोनों डालने का सीक्रेट ये है कि ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ही अलग टेस्ट देता है। ये आम की लौंजी को और इन्हेंस कर देता है, कुछ अलग ही कलर और फ्लेवर खुल के आता है। तो आप भी इस तरीके से बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट पकने के बाद ये कितना लटपटा सा हो गया है, एक दूसरे के अंदर ये अच्छे से मिक्स हो गया है, और कलर भी कितना अच्छा आया है इसका। गुड़ और चीनी दोनों डालने से बहुत ही अच्छा कलर आता है। तो आप भी एक बार जरूर ट्राई करें, और आप गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो अब ये ठंडा होने के बाद और थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। अब इसके ऊपर से हम ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे, और आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं और रोटी पराठे के साथ खा सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।
आपने अपना कीमती समय दिया मुझे, इसलिए थैंक यू एंड धन्यवाद।